प्रणाम, वेलकम बैक टू ऑल। तो दोस्तों अभी एक और गांव लेके जा रहा हूँ मैं, अभी आपको जो रह गया था। इस गांव में मैं, हमारा पड़ोसी गांव है, पर इस गांव में मैं 5 साल बाद जा रहा हूँ। तो ये गांव भी घुमाता हूँ आपको, बने रहने मेरे साथ और वीडियो को लाइक करना यदि अच्छी लगी तो। ठीक है, तो चलिए आपको घुमाते हैं एक और गाँव, ऊपर वाला जाबर में। ठीक, मल्ला जाबर यानी ऊपर वाला जाबर। यहाँ भी लगभग और मोस्टली लोग यहाँ से पलायन हो रखे हैं, तो जो कुछ बचे हैं उनके घर बैठेंगे, उनसे बातें करेंगे थोड़ा अपना टाइम निकाल के, और फिर उनका टाइम निकाल गांव का रास्ता। बकरा बकरा रखे आपा? हाँ बकरा, बड़ा बड़ा। हाँ हाँ, अच्छा ये बकरियाँ हैं जो पीछे चाचा जी आ रहे हैं। बोकटा बोकटा छन शायद, अरे बकरू गांव की बकरियां। आजा चल, एक बकरू तीन बोकटा। अच्छा दगड़े है था? हाँ हाँ, अब दी अपने दी काला कावा में। अच्छा फिर दया रहो अगले बैठा को। अच्छा अच्छा, चार चंद बूटे। चार, अच्छा। ये सुमन के पापा हैं और ये है सुमन का घर, सुमन असवाल। मर जाते इनकी ना, चल चल भाई चल, तुम्हें आज बकरे बन गयो। चाची प्रणाम, निपछना बोला। हाँ जो साल मरे ना डांग। हाँ जयपाल जयपाल। हाँ ठीक है ना, हाँ सब ठीक छे ना। हाँ कह रहे हैं छबिया परसों मरखोड़े जी। हाँ मरखोड़े नहीं। हाँ तो ये हाल है दोस्तों गांव के, सब बुढ़ बुढ़े छन घर में, बाकी वही तो सब संग तो बुढ़ बुढ़े छन। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ बात है। गुजरा 3 साल हो गए। बड़ी माँ अच्छा, पता नहीं होला अच्छा कंडी नॉनी, एक नॉन कंडी जापे पानी डांगो पानी। अब पानी घोर घोर, जब मन ही ना पानी घोर घोर है शिमला इसको बोलते। हाँ इसको बोलते हैं अंजीर, एक्चुअली ये अंजीर है, आप देख सकते हैं। यहाँ देखो कोई पूछता नहीं है, और बाहर मेरे ख्याल से 700-800 रुपये किलो है ये। तो चलो फिर आगे, ये घर और ये है, ये भी देखो कैसे हो गया, टूट गया। और जो ये जिसके कटे हुए हैं ना पेड़ है भीमल, ये घास होता है। ठीक है, और एक ये घर है, ये भी पूरा आर के पार बंद है, बंद पड़ा है। ये हमारे भाई साहब का घर है, ये हमारे उधर रहते हैं, हमारे पड़ोस में भानु भाई का घर है ये। कुमा बोली तुम्हारा घर देखा कन हुए के गोलू सेठ, ये गोलू सेठ का घर है। और एक बीच में है और एक पीछे, सारा पूरा बंद हो रखा है देखो। और ये देखो घास कैसे जम आंगन में पूरी, ऐसे ही है मोस्टली गांवों में, पूरा सब लोग पलायन हो चुके हैं, घरों की हालत बहुत बुरी हो रखी है।
तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखो पीछे से पत्थर निकल गई दीवार। तो पहले एक ही गांव हुआ करता था, अभी भी एक ही है, नाम भी एक ही है, बट यही है कि कोई घर में है ही नहीं। या नीचे एक घर सामने है। तन बोलो तो तन क्या बोला? हाँ ब्याह पहुँचा हम घर। हाँ बूढ़ी जी भी चल गए ना, चला तू मैं से बड़ो ना उसी चल गए ना। हाँ ना ना बोट ना, ये तो मैं आप ही बोलूँ ना अपना वास्ता। सामान कुछ नहीं, एक बार ताल तोड़ी वो बिचार वो भी नीली कुछ कुछ ना, एक भी टूटी। अच्छा हमारे तो खंदरों बंदरों दिखे कुछ नहीं ली गए तो दाढ़ी दाढ़ी में सब फूल गए। वही तो बोल सबसे छोट चाय नहीं बने, मैं चाय पिया अभी बेड़ूम चाचन बने वो दगड़े यहाँ भी रखा बेटी। हाँ हाँ नू नाती ना 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 चाचा प्रणाम। तुम तक किले बैठे तो सोकड़ा कौन जावर घूम जावर घूमना स्वास्थ्य पानी ठीक ठाक। बूढ़ी भी चल गए ना? बूढ़ी भी चल गई। चला बूढ़ी जी भी चल गए। हाँ तो मिल गया मैं, आज मैं पूरे जावर वालों को मिलूंगा। तो अब चलते हैं ऊपर विपिन के घर में। विपिन तो घर में है नहीं, उसके पापा और भैया हैं, और है एक बंदा अपना रवि। देखो पहले खेती होती थी, सब बंजर पड़ गए। सो आपने देख लिया होगा लगभग घर में बूढ़े बूढ़ी। देखो पपीता का बूढ़े बूढ़ी छन, क्या करना आती नहीं था, बाल बच्चा कोई नहीं छन, बूढ़ा और बुढ़िया ऐसे ही है जी। अब पहाड़ में पहाड़ है खोरी के लोग उनके माओ। यहाँ ऊपर एक पेड़ होता ना माल बोलते हैं उसको, तो जब गांव में शादी वादी होती थी तो हम उसके पत्ते लाते थे, तो उसके पत्ते के पत्तल बनते थे, तिथि दोहराते थे हम। देखो सेम इनको कहते हैं छीमी, ये होती है फ्योली, आपने सुना होगा ना फ्योली, पहाड़ की जो फेवरेट फूल है, जैसे रोज है ना वैसे यहाँ फ्योली होती है। ये घर है, ये भी देखो ताला लगा हुआ है, क्या है ये विपिन का घर है शायद, एक दोस्त है तो यहीं कहीं है, गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उधर उसकी ड्यूटी यहीं कहीं है, तो उसका घर ही है। और अभी कोई शोर का साइन घर, चलो रवि के घर चलते हैं। ओहो भेज प्रणाम। पसंद आ गया? हाँ चल ठीक ठाक स्वास्थ्य पानी। ये देखो इसको मैं ढूंढ रहा था, यहाँ जग गया मैं मल जावर घूमियो ना यार जरा। हाँ
वे कभी हम शहर में वे बाबू न ले चली ना क्या तो आजाद हो गए आजाद है तन्नी बोला वे तन्नी बोला तन्नी अपन दुनिया के दोस्त हो रहा हूं हां ये तो छेज भेज रहा हूं ते नींद खराब कर ले तो जी ये था जाबर गांव। देखो तीतर गांव भी वीरान पड़ गया घर में बुढ़ा बुढ़िया। अब बस सुन के अलावा कोई और नहीं है। जल्दी निकलता हूँ क्योंकि बाघ का भय भी है। लेपड़ होगा कहीं ना कहीं हो सकता है। तो टाइम पे घर पहुँच जाऊँगा तो वो सही रहेगा। मोल डोंगा जाना चाची। हाँ बोलो तो छोंद बुआरी हासी तुम्हार मोल डोल मुनो उठाइयो है का जाता घर फुना या वे क्या कर बेटा वो। हाँ खत्म देहरादून साल एक पांचा मगड़े। हाँ ये लकड़ी स्टोर कर रखी है टाइम टू टाइम यूज करने के लिए। देखो गांव में घर भी अच्छे हैं किसी के और किसी के तो धूप से ना। अब तो गांव चल गए। हाँ चलो तुम इन्हें आ गया बैठो गांव से गणो। अच्छा अच्छा बखरो थे। अच्छा नमस्कार नमस्कार कह के बुआ छो। अच्छा रोसी बुआरी छन कब से रोसी ये जी वो तो काम कर गए। अच्छा काम पे गया। चलो ठीक ठीक ये कहें छे सर लोग वो छे नहीं ने कहां ने कभी ये तो छे नहीं था छे नहीं मती जावर में बेड़ तो कोई भी नहीं का का ना जब आछो तब आछो। हां एक टाइम तो आ जो तुम्हारे का होगा। चलो ठीक तब तब चाय भी नहीं पिया चाय पी तब कोई बात नहीं ठीक है। चल फिर ठीक है फिर बैठा है नहीं पहचाने उन आपने देखा होगा कि घर में भी कोई नहीं है बुढ़ा बुढ़िया के अलावा है ना। वीरान पड़ा है पूरा गांव का। गांव हर जगह ऐसे ही है उत्तराखंड में। आप मोस्टली आपको ऐसे गांव दिखेंगे। बहुत कम गांव हैं जहां आबादी है नहीं तो फिर ऐसे ही सब पलायन हो चुका है। तो ठीक है बताना ये गांव कैसा लगा आपको। अब विदा लेते हैं आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार अपना ख्याल रखना बाय। ये शॉर्टकट रास्ता है शायद स्कूल से जाएंगे यहीं से स्कूल से चलते हैं।